नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने YouTube चैनल देश किसान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप चैनल पर यदि नए हो और भी खेती संबंधित और मंडी भाव से संबंधित अधिक जानकारियां प्राप्त करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और पास में लगा बेल आइकन भी जरूर दबा दें, जिससे कि आप तक जल्दी से जल्दी हमारे द्वारा पहुँचाई गई जानकारी पहुँच जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर जरूर करें। दोस्तों, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं कि प्याज का भाव भविष्य कैसा रहने वाला है 2021 में, जो आने वाले दिन हैं उनमें। दोस्तों, तो दोस्तों किसी भी वस्तु का या किसी भी कमोडिटी का भाव जो मांग और पूर्ति होती है वह काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती है। मांग और पूर्ति दोनों पर ही भाव की कंडीशन निर्धारित होती हैं कि यदि मांग अधिक होती है और पूर्ति कम होती है तो भाव बढ़ जाते हैं, और यदि पूर्ति अधिक हो जाए और आगे मांग कम हो तो फिर हमें भाव गिरते हुए देखने को मिलते हैं। दोस्तों, तो दोस्तों यदि अभी वर्तमान समय की बात करें तो प्याज का भाव ऊँचे में 16-17 रुपये तक हैं। जो देसी प्याज होता है, जो स्टोरेज क्वालिटी का प्याज होता है, उसकी अगर बात करें तो 16-17 रुपये उसका उच्चतम भाव है दोस्तों अभी मई के महीने में। और जो मीडियम क्वालिटी का माल है वो 12-13 रुपये तक जा रहा है, और जो हल्की क्वालिटी का प्याज अपनी क्वालिटी अनुसार 600-800 रुपये तक बिक रहा है। दोस्तों, तो यहाँ पर हमें जो हर वर्ष की तुलना में जो सीजन में प्याज के भाव होते हैं उनकी तुलना में इस वर्ष प्याज के भाव थोड़े ठीक देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, उसके दो कारण हैं। दोस्तों, एक तो उत्पादन हर साल के मुकाबले इस वर्ष मौसम अनुकूल नहीं होने के कारण कम हुआ है, जिससे कि पूर्ति कम हो पा रही है। और दूसरे नंबर पर जो स्टॉक वालों की डिमांड इस वर्ष अधिक है। दोस्तों, लगातार पिछले दो वर्षों से जो भाव अच्छे देखने को मिल रहे हैं भविष्य में जाकर, तो उससे इस वर्ष स्टॉक वालों की डिमांड अच्छी है। दोस्तों, जिन किसान भाइयों के पास भी प्याज कम है और बड़े बड़े गोदाम है, वो भी स्टॉक करके रख रहे हैं, और कुछ व्यापारी भाई भी स्टॉक करके रख रहे हैं। दोस्तों, इससे स्टॉक वालों की डिमांड होने के कारण भी इस वर्ष हर वर्ष की तुलना में सीजन में भी अधिक भाव हमें अच्छे भाव देखने को मिल रहे हैं, जो कि किसानों के लिए खुशखबरी की बात है। दोस्तों, तो अब आने वाले दिनों की अगर हम बात करें तो आगे भविष्य में क्या भाव रह सकते हैं उसकी यदि बात करें तो हमें आने वाले दिनों में भी अच्छे भाव देखने की उम्मीद पूरी है। दोस्तों, क्योंकि अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, जैसे ही लॉकडाउन 15 दिन बाद या 20 दिन बाद जैसे ही खुलेगा धीरे धीरे, ऐसे ही अच्छी घरेलू डिमांड भी निकलनी स्टार्ट हो जाएगी, जिससे कि मांग अच्छी निकलेगी और मंडियों में हमें भाव ऊंचे धीरे धीरे ऊंचे जाते हुए ज़रूर दिखेंगे। दोस्तों, उसके बाद यदि कोरोना थोड़ा और भी उसका असर कम होता है और हमें विदेशी जो मांग निकलती है, जो निर्यात की मांग निकलती है, वो स्टार्ट हो जाएगी हमारे व्यापारी भाइयों के पास, जो निर्यात के ऑर्डर आने स्टार्ट हो जाएंगे, जिससे कि निर्यात मांग बढ़ जाएगी और हमारे भारत का माल भी जो बांग्लादेश और आसपास के देशों में श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया इधर जाता है, उधर डिमांड जैसे ही निकलेगी और हमारे देश से निर्यात चालू होगा तो फिर हमें फिर भाव में अच्छी तेज़ी फिर देखने को मिल सकती है। दोस्तों, तो दोस्तों हम आशा कर सकते हैं कि अगले आगामी जून महीने तक अगर कोरोना जो महामारी है वो अपना सामान्य रूप से कम हो जाती हैं और अभी की स्थितियाँ ये सुधर जाती हैं और धीरे धीरे अगर लॉकडाउन खुल जाता है तो किसानों के चेहरे पर हमें खुशी देखने को मिल सकती है। जैसे ही मंडियाँ निरंतर रूप से चालू हो जाएगी और जो मांग घरेलू मांग और विदेशी मांग निकलनी स्टार्ट होगी जैसे ही, तो हमें अगले महीने धीरे धीरे भाव में थोड़ा उछाल देखने को ज़रूर मिलेगा और जो कि अगस्त माह तक आते आते अच्छे भाव हमें देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, तो आपसे हमारी यही अपील है कि आप मंडियां खुलें तो एकदम से भीड़ ना करें और धीरे धीरे जो अपनी आवश्यकता अनुसार जो हल्का माल हो वह पहले निकालने की कोशिश करें और अच्छे माल को आप भी स्टॉक करके रख सकते हो, जो कि बारिश यदि अधिक हो जाती है और फिर अगर जहाँ ज़्यादा उत्पादक राज्य हैं उधर मौसम ज़्यादा ख़राब होता है और ज़्यादा बारिश होने से माल अगर ख़राब होता है और जो फसल ख़राब होती है तो फिर भी हमें अच्छे माल के अच्छे भाव देखने को ज़रूर मिलेंगे। दोस्तों, तो आप अपना माल धीरे धीरे बेचें जिससे कि मंडियों में भीड़ नहीं होगी और आपको अच्छा भाव मिलेगा और माल की मांग और पूर्ति में संतुलन बना रहेगा, जिससे कि आपको अच्छे भाव देखने को मिल सकते हैं। यदि ज़्यादा मांग हो जाएगी बाहर से तो फिर हमें अच्छे भाव मिलने निश्चित हैं। दोस्तों, और यह
बात पक्की है कि आपको, यदि आप धीरे धीरे माल बेचोगे, आपको सभी तरह के भाव मिलेंगे, जिससे कि आपके प्याज की जो भाव की पड़तल होती है वो अच्छी आएगी दोस्तों। तो इसलिए आपसे ये अपील है कि आप धीरे धीरे माल को बेचें, और वीडियो अच्छा लगे, यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लाइक ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करें दोस्तों। और भी हमने प्याज के भंडारण से संबंधित, और जो प्याज की खेती, सोयाबीन की खेती, लहसुन की खेती से संबंधित सारे वीडियो हमने डाल रखे हैं, आप वो भी चैनल पर जाकर ज़रूर देखें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करें, जिससे वो भी इस जानकारी से अवगत हो सके दोस्तों। तो ये थी हमारे द्वारा दी गई जानकारी, आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों यह पूरी तरह से हमारे निजी विचार हैं, आप अपने व्यापार का निर्णय स्वविवेक से ले दोस्तों, हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।